हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में भोकाल, गोजो और अश्वराज का मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक महानायक का दूसरा भाग सुनकर अश्विनी के मस्तक पर बल पड़ते चले गए। क्षण भर को ध्यान मग्न हो गए वे। और फिर अश्वराज, मेरे छद्म वेश में किसी ने छल किया है तुम्हारे साथ। पृथ्वी पर गोजो के पास तुम्हें तुरंत जाना होगा। गोजो? शब्द शक्ति धारक गोजो? उड़ चला अश्वराज। गोजो तक पहुंचना है मुझे, जल्दी से जल्दी। अश्वराज, नीलकंठ का कहना है कि रक्त पिशाच भी शायद अब अश्वलोक में आतंक मचाने दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसे वह शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिसके लिए उसने यह आतंक मचाया था। गोजो ने शक्ति गुगली ले जाकर सौंप दी महर्षि तप्त मुखी को। महर्षि, कृपया कर मुझे बताएं कि ये शक्ति क्या है। ठीक इसी पल अश्वराज की चीख से गूंज उठा वातावरण। नहीं गोजो, नहीं, वह शक्ति उसे मत सौंपना, मत सौंपना। गायब हो गए महर्षि तप्तमुखी और उनका आश्रम भी। उफ नहीं, कहां गए महर्षि और कहां गया उनका आश्रम। गूंज उठा अटास। गोजो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, शीघ्र ही जान जाओगे तुमकी ये शक्ति गुगली क्या है। तुम अश्वराज हो ना? अश्वराज मैराथन विजेता? हाँ गोजो, वही अश्वराज हूं मैं। अश्व मैराथन विजेता अश्वराज के विषय में जानने के लिए पढ़े अश्वराज सीरीज की प्रथम 6 सनसनाती कॉमिक्स। अश्वराज सीरीज पूरी की पूरी चैनल पे अपलोड है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको सारी अश्वराज की कॉमिक्स मिल जाएंगी। तुमने शक्ति गुगली को महर्षि को सौंपने से मुझे क्यों रोका? और तब असली महर्षि तप्तमुखी के सामने क्या? उफ, मेरा छद्म घर का कोई इतना बड़ा छल कर गया तुम्हारे साथ। बोझो महर्षि, मेरे हाथों अनजाने में ही यह अपराध हो गया। कृपया कर मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना होगा। अश्वराज ने बताया तो चकरा गई गोजो की भी बुद्धि। तीर तुम दोनों के हाथ से निकल चुके हैं गोजो अश्वराज, किंतु अगर भोकाल तक समय रहते तुम पहुंच सको तो कंटास और गुगली की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। भोकाल? तब हमें आज्ञा दे महर्षि, विकास नगर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना होगा हमें। अश्वराज कर रहे थे एक बार फिर दौड़ पड़ा। 23 और 23 भोकाल जा पहुंचा तांत्रिक टिल्लू के सम्मुख। मैं ले आया हूँ शक्ति ढोकला। ओ शाबाश भोकाल, यह शक्ति तुरंत मुझे दो। मैं इसे इस लायक बना दूंगा जिससे कि तुम आसानी के साथ इसे प्रयोग कर सको दुष्ट गणीसा पर। रक्तांबर क्या कह रहा है अश्वर? अश्वराज, गजब होने जा रहा है। चौक पड़ा रक्तांबर हिनहनाहट से गूंजा दिए उसने अश्वराज के कान। रक्तांबर देख रहा है भोकाल को, भोकाल शक्ति को महर्षि को सौंप रहा है। चीख पड़ा अश्वराज, और तेज दौड़ो, उफ गजब हो जाएगा अगर भोकाल ने भी वह शक्ति सौंप दी उस भैरूपीय को। अश्वराज, हम रोक ना पाएंगे भोकाल को भी शक्ति सौंप देने से। और भोकाल, रोको इसे, इसे रोको भोकाल। रोशनी के तीव्र झमाके के साथ ही गायब हो गए तांत्रिक टिल्लू और साथ ही गायब हो गई शक्ति ढोकला। इतनी तीव्र गति के साथ आकर रुका वह रथ की बुरी तरह लड़खड़ा गए। रथ में जुटे हुए पांचों घोड़े रक्तांबर, कालाकोर, अश्वत्थ, नीलकंठ और शब्द शक्ति उछल कर गिरे गोजो और अश्वराज। उफ, आ! शीघ्र ही संभल भी गए दोनों। उफ भोकाल, कुछ क्षण विलंब से पहुंचे हम तुम तक। कौन है आप दोनों? गोजो, अश्वराज। नाम सुनकर चौंक पड़ा भोकाल। अश्वराज, गोजो, उफ, आज तक नाम ही सुना था तुम्हारा। फिर अश्वराज और गोजो ने बताई आप बीती। तुम्हें अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए हमें तुरंत असली तांत्रिक टिल्लू के पास चलना चाहिए। नहीं, उफ, इतना बड़ा छल। तांत्रिक टिल्लू भी चमत्कृत रह गए वह सब जानकर। कंटास्त्र, गुगली और ढोकला को प्राप्त कर लिया उस अज्ञात शैतान ने। उफ, अब क्या होगा तांत्रिक श्री? ये तो मैं बताऊंगा। नहीं, ये नाम नहीं है मेरे। रक्त पिशाच, चिकोता, गंडीसा? नहीं, ये नाम नहीं है मेरे। रक्त पिशाच, चिकोता और गंडीसा से बनी संयुक्त शक्ति खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। और वह रूप भी मैं मेरे ही थे जिन्हें तुमने सौंप डाली वह शक्तियां जिसे मैं कभी प्राप्त ना कर पाता।
और इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते थे केवल नायक यानी अश्वराज, गोजो और भोकाल। खलनायक यानी मैं नहीं। खलनायक अपनी पृथ्वी की सुरक्षा का इंतजाम कर लो नायकों, क्योंकि अब मैं शीघ्र ही लौटूंगा और तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी मेरी गुलामी। हा 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 हा। इसी के साथ गायब हो गया खलनायक। चीख पड़ा भोकाल, रुक जा खलनायक, रुक जा, मेरी तलवार तड़प उठी है तेरा रक्त पीने को। भोकाल, अब वह किसी को रोके ना रोकेगा। जो शस्त्र तुम तीनों ने लाकर उसे सौंपे है, प्रलय मचा देगा वो उससे पृथ्वी पर। नहीं तांत्रिकश्री, नहीं, ऐसा मत कहें। तड़प उठा अश्वराज भी, गंभीर था गोजो। तांत्रिकश्री, खलनायक को रोकना होगा हमें। सुलग रहे थे भोकाल के नेत्र। तांत्रिकश्री, प्रत्येक समस्या का हल होता है, इस भयानक मुसीबत से जूझने का भी हल होगा, वो हल मुझे बताएं। भोकाल अपने प्राणों पर खेल जाएगा, लेकिन खलनायक अपने खतरनाक उद्देश्य में कभी सफल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई हल है तो हमें बताएं तांत्रिकश्री। हल है भोकाल, और वह हल है दिग्विजयास्त्र। दिग्विजयास्त्र? दिग्विजयास्त्र लेने तुम में से कौन जाएगा, इस बात का निर्णय तुम तीनों स्वयं करो। दिग्विजयास्त्र लेने मैं जाऊंगा। शूतान? नहीं शूतान, दिग्विजयास्त्र लेने मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने महाराज विक्रम मोहन को, विकास मोहन को श्वेता और विकास नगर की सही सलामती का वचन दिया है। तांत्रिक श्री, आप मुझे बताएं कि दिग्विजयास्त्र कहाँ मिलेगा। तांत्रिक ने बताया दिग्विजयास्त्र के बारे में। तब भोकाल, इस कार्य के लिए तुम मेरा विलक्षण रथ ले जाओ, क्योंकि हमें शीघ्र से शीघ्र दिग्विजयास्त्र चाहिए, और मेरे रथ के विलक्षण अश तुम्हारे मार्ग को सुगम बना देंगे। ठीक है मित्र अश्वराज। भोकाल ने तुरंत सबसे विदा ली। मैं ईश्वर तुम्हें सफल करे पुत्र भोकाल, मेरे लिए तो विकास नगर का बच्चा बच्चा श्वेता का रूप है। हे ईश्वर, भोकाल की मदद करना। तब तांत्रिक टिल्लू ने गोजो और अश्वराज का परिचय राजा विकास मोहन और शूतान से करवाया। जब तक भोकाल नहीं लौटा था, तुम दोनों भी विकास नगर में ही रहोगे गोजो और अश्वराज। खलनायक का अगला कदम क्या होगा? खलनायक, अश्वराज ने ला कर दिया कंटास्त्र। महाबली भोकाल लाया शक्ति ढोकला। गोजो ने ला कर दी शक्ति गुगली, और बन गई एक संपूर्ण शक्ति खौफनाक। अब मुझे इस पृथ्वी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूं खलनायक। खलनायक, इतनी प्रसन्नता तेरी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बिजली का ठीक कहती है खलनायक, अभी तो ठीक से नहीं जानता मानवता के रक्षक उन गायकों को जिन्होंने अनजाने में तुझे खौफनाक लाकर सौंप दिया है। नहीं तो रीन दीदी, इसे अपने जी की कर लेने दो। पिताश्री कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर ही भागता है। कपाला ने भी जैसे अपनी सहमति दी। सोलह गोटा खलनायक, खामोश। अब मैं निकल रहा हूं अपने महाअभियान पर, देख लूंगा तुम्हारे सभी नायकों अश्वराज, गोजो, भोकाल और शूतान भूतान को। घोड़ी लेखा दीदी, हम इस शैतान की कैद से स्वतंत्र कब होंगे? शीघ्र ही श्वेता, शीघ्र ही। इस तिलिस्मी पिंजरे में हमारी सभी शक्तियां बेकार हो गई। हा 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 हा, मैं हूं खलनायक। खलनायक? खलनायक कौन है ये खलनायक? आग उगलने लगे खलनायक के रथ से जुते हुए नन्हे सरीसर। आग, बचाओ, मैं जल गया, कुआं लाओ, नहीं मुझे कुएं में ले जाओ। सनसनी मचाती खलनायक ने विजयनगर में फचाक। आग, हा 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 हा, मैं हूं खलनायक। विजयनगर के राजा विजय प्रताप समाचार सुनकर हतप्रभ उठे। खलनायक, जिसके पास है गोजो, अश्वराज और भोकाल द्वारा लाई गई शक्ति, इस खलनायक को रोकना होगा। सेनापति त्रिपाल, सेना तैयार करो। विशाल सेना लेकर खलनायक को रोकने निकल पड़े राजा विजय प्रताप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महानायक के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।